चौहान समाज ताकत रखता है, चौहान समाज सरकार बनाना भी जानता है तो सरकार को उखाड़ कर फेंकना, सरकार गिराना भी जानता है। राजभर में गमछा में पीला गमछा में तो ओम प्रकाश नजर आना चाहिए। तो ये हमारे वोट से जीते हैं, अपने वोट से नहीं जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं बिमेश कुमार। आज हमारे साथ तमाम लोग हैं और ये लोग आज लोकसभा घोषी के उस चुनाव को लेकर तमाम लोग जो है उपस्थित है। अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा जो है, अभी दो पार्टियों से इस चुनावी अखाड़े में जो है प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी से और एक जो है एनडीए गठबंधन यानी कि सुभाषपा पार्टी से। लेकिन बात करेंगे कि ये जो है गरीब जो परिवार समाज के लोग आज चौहान समाज के एक बेटे को जो है जिस तरह से आज प्रत्याशी घोषित करने का काम किया, जिस तरह से इनको जो है सपोर्ट करने का काम किया, आइए इनसे ही परिचय कराते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले दर्शकों को परिचय बता दें। मैं पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चतुर्वेदी सेना प्रमुख और लोकसभा 70 घोषी से निर्दल प्रत्याशी हूँ और हमें जनता का आशीर्वाद है, गरीब किसान मजदूर का आशीर्वाद है। आज मैं और में उतरा हूँ और लड़ाई लड़कर घोसी की जनता को यह बताऊंगा कि जो गरीब का बेटा होता है गरीब का दर्द जानता है। गरीब का बेटा हूं, गरीब का दर्द जानता हूं। मैं आसमां से ज्यादा जमी का कदर जानता हूं, मैं आसमां से ज्यादा जमी का कदर जानता हूं। अपने झोली में तमाम गरीबों का वो प्यार बिटोरे हैं, ये बहुत कम ही लोगों को मिलता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो भाजपा चाहे सपा चाहे बसपा, वो लोग एसी में चलने वाले हैं और एसी में चलेंगे तो गरीब का दर्द नहीं जानेंगे। मैं गरीबों के घोसी नहीं, पूरे गाजीपुर, बलिया, बनारस, गोरखपुर, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बराज, वो किसी भी जात धर्म का रहेगा, वो गरीब पीड़ित रहेगा, तो मैं मदद कर ये आया हूँ आज तक। आज लोकसभा घोसी में हमारे युवा साथियों ने एक हुंकार अलग भर दिया है। अच्छा। जी, गरीब का बेटा रहेगा तो माँ ने भी हुंकार भर दिया है। ये देखिए, पैसा रुपया मिला है। लोग जो भी भाजपा सपा बसपा से प्रत्याशी आएंगे तो पैसा लेकर पैसा देकर मतदाताओं से मां से वोट लेने लेंगे, लेकिन मुझे आप लोग देखे, अपने आप आंखों से देखे हैं कि मां मुझे पैसा रुपया देकर घोषित से या दिल्ली तक भेजने का काम करेगी। गरीब का बेटा हूं और उन लोगों को इस बार जनता जान गई है, घोषित से खदेड़ने का काम किए। और आपको बता दें कि चौहान समाज इस समय नाराज इसलिए है कि 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन भाजपा सपा बसपा एक भी टिकट नहीं दी, इसलिए माँ मुझे पवन चौहान को निर्दल प्रत्याशी उतार कर वरिष्ठ जन, माँ, हमारे बड़े भाई, युवा साथी कहे कि बेटा तुम रण में उतरो, पैसा की कमी नहीं होने दूंगा, एक नोट एक वोट हर जाति धर्म से मिलेगा। और आज आप लोगों के सामने यह नोट और मिला है। ये वजह क्या रहा? तमाम पार्टियां जो है अपने पार्टियों से उम्मीदवार घोषित कर रही है, लेकिन आपका वजह क्या हुआ कि निर्दल ही खड़ा होना पड़ा? क्या कुछ ऐसा कारण हो गया? देखिए, हम लोग भाजपा को, हमारा समाज चौहान समाज 95% वोट करता है, सपा को करता है, बसपा को करता है, लेकिन सभी पार्टियां चौहान समाज पर तमाचा मरने का काम किया, इसलिए चौहान समाज लामबंद होकर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के चौहान समाज घोसी में उतर कर हर जाति धर्म से अपना हक अधिकार मांगेंगे। यह पवन चौहान किसी भी जात धर्म का काम करता है, किसी भी जात धर्म के लिए वो गरीब रहेंगे, असहाय रहेंगे, मजदूर रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, तो मैं खून से खून देता हूँ, उस गरीब को सहयोग भी करता हूँ। आज वही जनता सोशल मीडिया के माध्यम से युवा जान गए हैं, माँ भी जान गई है, इसलिए गरीब के बेटा को इस बार अपना नोट, एक एक नोट, एक एक वोट घर से निकलकर इस पवन चौहान को घोसी से दिल्ली भेजने का काम करेगी। उन बहुबलियों को, उन धनाढ्य व्यक्तियों को जो आएंगे उन्हें हरा कर दिल्ली भेजेंगे, तब वो लोग जानेंगे कि गरीब का दर्द जानना चाहिए, गरीब का सहयोग करना चाहिए, पीड़ित का सहयोग करना चाहेंगे। यही जनता उनको जो जिताई है, यही जनता उनको इस बार घोसी लोकसभा 70 से हरा कर भेजेगी और पवन चौहान को जिता कर दिल्ली भी भेजने का। एक चीज हमने पिछले दिनों में देखा था सौधान यात्रा में, ओम प्रकाश राजभर जब जो है अपना झोली फैलाए तो तमाम लोगों ने नोटों की बारिश कर दी। वो तस्वीर एक चौहान समाज के उस जो है प्रत्याशी के ऊपर जो है देखने को मिला कि इनको भी जो है उस तरह से नोटों से जो है सब लोग बारिश करते हुए नजर आए कि अपने गरीब बेटवा को प्रत्याशी घोषित करके और समाज का वो एक ऐसा प्रत्याशी घोषित किए
कि शायद लोग ये कहते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं उनको टिकट दिया जाता है, उनको ही चुनाव अखाड़े में उतारा जाता है, लेकिन ये जनता ने अपना मत दिखाया कि एक गरीब बेटवा को भी हम चुनावी अखाड़े में उतारने का काम करेंगे। देखिए जनता ऐसी है, जनता जिताकर भेजती है और जनता ही हराकर ओम प्रकाश राजभर को इस बार हरा को भेजने का काम करेगी। क्योंकि आप राजभर समाज में चले जाइए, कहते हैं कि मैं राजभरों का नेता हूं, लेकिन अगर एक भी काम जितना वो निधि अपने निधि से काम नहीं किए हैं, उतना हर समाज के लिए, हर जात धर्म के लिए पवन चौहान अपने संगठन से करने का काम। इस बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, अरविंद राजभर को जनता यहाँ की घोसी की जनता हरा कर भेजेगी, तब वो जमीन पर काम करेंगे, तब अपने राजभर समाज के लिए और समाज के लिए काम करेंगे। यही पर देखिए जीत कर चौहान समाज दिनेश लाल यादव जो माननीय सांसद जी हैं, यही बगल के हैं आजमगढ़ के, वो जीतते हैं हर समाज के, हर जात धर्म के वोटों से जीतते हैं, लेकिन वही रेजिमेंट का मांग करते हैं। ओम प्रकाश जी कहते हैं थाना पे चले जाइए, राजभर में गमछा में, पीला गमछा में तो ओम प्रकाश नजर आना चाहिए। तो ये हमारे वोट से जीते हैं, अपने वोट से नहीं जीते हैं। ये जनता ये इस बार तय कर देगी कि गरीब का बेटा है और गरीब का दर्द जानता है, गरीब के हक की लड़ाई लड़ता है, ऐसे ऐसे ओम प्रकाश राजभर को यह जनता हराने का काम करेगी। इस बार निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान को जिताकर मैं गरीबों के बीच में आया हूं, और कहीं भी आप जाकर सर्वे कर लीजिए, अगर राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर एसी में काम करते हैं और कहते हैं दूसरे को कि एसी में, ओम प्रकाश राजभर खुद एसी में चलते हैं, एसी में काम करते हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर की खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल होने वाला घोषित। आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी भी और भाजपा तमाम लोग जो है तमाचा मारने का काम किए हैं, वोट लेकर तमाचा मारने का काम किए हैं, क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग जो है अपना स्तर से एक जो है संगठन बनाकर अब उन पार्टियों को क्या करेंगे? देखिए अपना हक अधिकार के लिए इस बार अपना वोट रोककर अपने हक अधिकार के लिए हम लोग मांग करेंगे। और ये जनता बता रही है कि चौहान समाज को सिर्फ तमाचा इसलिए मारा जाता है कि बहकावे में चौहान जी कह देते हैं तो वो हमारे दादा भी दे दिए पिताजी, लेकिन हम नौजवान अब शांत रहने वाले नहीं है, अब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर दिल्ली में भी पहुंचने का काम करेंगे, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ सभी लोग। और बताना चाहता हूँ इस बार जो चौहान की बात करेगा वही अब दिल्ली पर राज करेगा। अच्छा। चौहान समाज ताकत रखता है, चौहान समाज सरकार बनाना भी जानता है, तो सरकार को उखाड़ कर फेंकना, सरकार गिराना भी जानता है, वो है औकात। चौहान का एक बड़ा साथ जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, वो विभाग की बात है। और ये महिलाएं भी है, आप लोग आज तमाम लोग जो है यहाँ उपस्थिति जताई और इनको जो है अपने जो है पवन चौहान जाएगा दिल्ली में बैठिए सरकार बनी। अच्छा, दिल्ली में बैठाएंगे आप? इस बार आप लोग किसके समर्थन में खड़े हैं? इनके भैया के समर्थन, पवन चौहान के। पवन चौहान के। आप? हम पवन चौहान के संग हैं। आप बताइए। नहीं कर दिया जाए। अच्छा, दूसरा के ना देवे की बात? आप बताइए। जैसा कि आपने देखा इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ हिंदी जगह पे आपने देखा,